स्वाद नहीं है इस पार्टी में, बीजेपी के अलावा किसी से काम ही नहीं करो। बीजेपी में ही देश का विकास हो रहा है। कमाओ और विकास जब ही तो होगा, जब फ्री का देगी सरकार का घाटा जाएगा, सरकार कहाँ से विकास करेगी। योगी जी बनेंगे फिर मुख्यमंत्री आने वाले समय। गुंडागर्दी कम करी है, बिजली टाइम पर ज्यादा मिल रही है और गैस तो मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। नमस्कार, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम माहौल गर्म है। माहौल गर्म है में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव सर पर आता जा रहा है, लेकिन जो शांति है उसके अंदर बड़ी गर्माहट है। इसी को पकड़ने, इसी को भांपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए हम विधानसभा विधानसभा जाएंगे, घूमेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर दरअसल माहौल जो है उसकी स्थिति क्या है, माहौल किसको हाँ कर रहा है और किसको ना कर रहा है। इसको जानने के लिए आज हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये दादरी विधानसभा लगती है। यहाँ पर रोचक जो एक पहलू मैंने देखा वो ये देखा कि यहाँ से जब हम आ रहे थे, ये कौन सी रोड है भैया, चाचा कौन सी रोड है? कारचा रोड है। कारचा रोड, इसके पीछे कॉलोनी थी, उसका नाम गुजर कॉलोनी था, उसके आगे आती है ये कारचा रोड। ठीक है, तो कारचा रोड है, यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये चौराहा है बता रहे हैं भैया। ठीक है, तो अब बातचीत करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर बीजेपी का जो मत रहा, हमेशा बीजेपी को आपने यस 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 हाँ रहा, क्योंकि विधानसभाओं में भी यही देखा, लोकसभा में भी यही देखा, इस वक्त इस विधानसभा में क्या लगता है आपको कि वो कौन सा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं या तो पारी पलट सकता है या पारी उलट सकता है, कौन सा मुद्दा लगता है? मुद्दा तो मेन यही है, जातिवाद नहीं है इस पार्टी में, बीजेपी में। मुलायम आ जाओ या मायावती आ जाओ, गांवों में माहौल ख़राब हो जाता है, यादववाद हो जाता, कहीं मोमडनवाद हो जाता, कहीं चमारवाद हो जाता, ये व्यक्तिगत खराब है माहौल। ठीक है, तो ऐसे अगर आप कहेंगे व्यक्तिगत खराब है, जातिगत पार्टी नहीं है, लेकिन और लोग कह रहे थे कि ये धार्मिक है, उस पर क्या कहेंगे फिर? धार्मिक तो ये पार्टी शुरू से रही है, सब मानते हैं धार्मिक है। ठीक है, तो अगर एक पार्टी आप बता रहे हैं जातिगत है, ये धार्मिक है, तो फिर वो लोग नाराज हो जाएंगे जो आपके धर्म के ना होंगे, दूसरे धर्म के होंगे, वो नाराज हो जाएंगे। इस पार्टी में जातिवाद नहीं है कोई भी, और लोगों को लेकर चलती है, लोगों को लेकर ये जो है सक्षम है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर कोई गुर्जर है जो गुर्जर समाज से आते हो, ये बताइए, अभी बड़ी बात ये चल रही है बाहर कि जो अनावरण हुआ मूर्ति का, उसमें से गुर्जर शब्द हटा दिया गया आखिरी वक्त पर, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि दिल्ली की मीडिया में ऐसी कहावत है कि अब जो गुर्जर हैं इस इलाके के वो नाराज हो गए बीजेपी से, ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई तो है कि जो चीज़ थी उसको हटा देना हमारी गुर्जर समाज की गिरावट ही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो नाम हटाया गया तो इससे कहीं ना कहीं आपके समाज को नीचा दिखाया गया? बस यही बात। आपके समाज का नाम नहीं लिखा गया तो किसी और का भी तो नाम नहीं लिखा गया? देखो, या तो उस नाम को लिखना ही नहीं था, लिखा है तो फिर उसको मिटाना नहीं चाहिए था। अच्छा, आपकी नाराजगी बस इस बात से है कि या तो लिखते ही ना, और लिख दिया तो मिटाते ना, लेकिन सड़क पर हम देख रहे थे जगह जगह बैनर छपे थे, तो वहां पर तो बड़े बड़े शब्दों में लिखा था कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, तो न कहां नाम गिर गया, वहां तो है, एक जगह नहीं है, तो क्या समस्या? कुछ भी कोई समस्या नहीं है, ये तो फजूल की बातों से जो लोग भड़क रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं है गुर्जर समाज पर। भाई गुर्जर तो गुर्जर है ही, अगर उसका नाम को भी हटा दिया जाओगे गुर्जर तो जब भी गुर्जर ही रहेगा। देखिए, मायावती जी की बात कर लेते हैं, मायावती जी ने खूब काम करवाया, जब मायावती जी थी तो उन्होंने, आपने देखे होंगे, पार्क बनवाए, सुंदर सुंदर सुंदरीकरण कराया, यहाँ पर मायावती जी कहीं भी नजर आती है पूरे सीन यहाँ पर, ना कहीं भी, यहाँ कहीं भी ना, बिल्कुल नहीं है। अपने क्षेत्र में काम ना करो, ना दादरी में काम करो, यहाँ पर किसने सब सारा काम कराया ये बताइए, बीजेपी के अलावा किसी ने काम ही नहीं करो, और किसी के लिए कुछ नहीं लगता यहाँ पर, विकास के हिसाब से बीजेपी आएगी और विकास के लिए वोट दी जाएगी। किनका? बीजेपी का, बीजेपी का विकास बोलता है। सपा वाले कहते हैं कि हमारा विकास बोलता है, ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी का विकास बोलता है। क्या है उनका? गुंडा राज है, बस किस करो, अपने पूरे रिश्तेदार को विकास करो, अपना करो, पब्लिक को तो विकास करो ना, और करो होगा ज्यादा तो यादव को करो होगा, बस यादवों का करा होगा तो यादव खुश है, यादव कहेंगे कि हम सपा को देंगे, दो तो कब दे, कोई मना कर रहा हो, दे भी सैफ के अलावा कहीं विकास ना करा उन्होंने। ये बताइए, बीजेपी आएगी ठीक है, लेकिन इस तरीके की भी तो बातें हो सकती है कि बदलाव भी जरूरी होता है, आपने बीजेपी को देखे देख लिए, सपा भी आ रही होगी, बसपा भी रही होगी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी आ रही है नई नजर, आम आदमी पार्टी भी है, इनके बारे में क्या है? इन सबको पहले सब आजमा के देख चुके हैं, कोई रिजल्ट मिला नहीं है, मुस्कुराते बड़ा बढ़िया बोलिए,
हर आदमी देश का विकास चाहता है, अब जातिवाद नहीं है, हर आदमी अपनी तरफ नहीं सोचता, और बीजेपी में ही देश का विकास हो रहा है, वर्ल्ड में नाम हो रहा है। आज मोदी जी की वैसे ही नाम है दुनिया में, पहले इतनी बाहर वक़्त नहीं थी जितनी आज है। मतलब ये है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बीजेपी वाले ही हैं, ऐसा है? हर बिरादरी बैठी है। राजपूत है यहाँ पर? राजपूत कौन? राजपूत कौन है यहाँ पर, बताइए आप। क्या बीजेपी, ये जो मूर्ति वाली बात थी, आपका झगड़ा हुआ आप लोग? कोई झगड़ा ना मूर्ति पर कोई बात, ये तो भाई टिकट की राजनीति है, केवल टिकट के लिए वोटर की राजनीति। तो बताया गया कि राजपूत गुजर वहाँ पर लड़ गए, वहाँ पर नहीं लड़े, कोई कुछ भी ना हो, केवल टिकट की राजनीति है, टिकट पर लड़ाई हो रही है और कोई बात ना, सिर्फ राजनीति है ये और कुछ नहीं है, बीजेपी को हटाने के लिए और कुछ नहीं है। बाकी मुद्दा शांत है, सब शांत है ना? सब शांत है, कोई परेशानी नहीं है, ना यादवों से ना किसी से। जी जी, जिस टाइम वोट गिरेंगे सब बीजेपी को जाएंगे, बीजेपी को जाएंगे सारे वोट। काम के लिए वोट है, काम के लिए है, किसी आदमी के लिए नहीं है। और मोदी के नाम पर जी गुंडे और माफियों का हल्ला कम हुआ है, गुंडागर्दी कम है, आप ये कह रहे हैं ऑल यूपी में? पांच बातें बता दीजिए बढ़िया बढ़िया कि बीजेपी इस वजह से जो है यहाँ पर बीजेपी का आप सब वो है सपोर्टर। विकास का काम तो कराई करा है, गुंडागर्दी कम करी है, बिजली टाइम पर ज्यादा मिल रही है, और गैस तो मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो और भी जो है हर जगह। आप जितने लोग हैं सब बीजेपी वाले हो गए, कोई है जो काउंटर कर ले आपको, कोई है दूसरी पार्टी का यहाँ, मुझे कोई आ सकता हो, कोई है? ढूंढे तो मिले, ढूंढा जी। नहीं नहीं, मैं तो वही देख रहा था, आप उधर से आए, कोई भैया उधर से आए, कोई भाई उधर से आए, लेकिन टक्कर पे बिजली का बल्ब लेके तब मिलेंगे। ये नरौली के चाचा गुजर है, ये सैथली के? नहीं नहीं, ठीक है। और ये यही के ये सब, लेकिन है सब बीजेपी। आम आदमी पार्टी भी सिर्फ पानी और बिजली फ्री के चक्कर में चल रही है। बढ़िया चीज है ना, 300 यूनिट फ्री बिजली मिल जाएगी, क्या उसमें खराब है? तो फ्री के चक्कर में हाँ जब तक पागल रहेगी, जब तक मतलब फ्री का मिलना राशन बंद नहीं होगा। ये किसकी किसकी दुकान है? ये आपकी है ना? ये बताइए 300 यूनिट बिजली फ्री मिला करेगी, क्या बढ़िया चीज है? आम आदमी पार्टी दे तो कुछ भी नहीं है, फ्री का देना, पब्लिक को परेशान करना है। पब्लिक खाएगी नहीं, कमाएगी नहीं, करेगी क्या, ये बताओ? कमी हो जाएगी, आप कह रहे हैं अरे खाओ कमाओ, और विकास जब ही तो होगा जब फ्री का देगी, सरकार का घाटा जाएगा, सरकार कहाँ से विकास करेगी? विकास के काम तो रुकी जाएंगे, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? सरकार के पास जो पैसा है हमारा ही तो है, जनता का ही तो पैसा है, और जनता को ही वो फ्री दे रही है, विकास कहाँ से होएगा? ठीक है, तो ये बताइए यहाँ का, ये बताइए यहाँ पर सड़क की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है, उसमें सुधार हुआ है पहले से? आइए जब से सही है सब कुछ, जब बीजेपी आई है तब से सब बढ़िया बढ़िया हो गया है। कहने की बात नहीं है, असलियत है ये। इधर आओ छोटे बच्चे, इधर आओ, तुम पीछे काफी देर से बैठे, इधर आओ। यहाँ पर किस, आप कौन सी पार्टी, कोई पार्टी वार्टी जानते हो क्या होता है? नहीं नहीं, भाई छोटे बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए। खैर ये चचा भी हमारे साथ हैं, ये बताइए जा, यहाँ पर ये सब लोग तो बीजेपी बीजेपी का नारा दे रहे हैं, आप भी बीजेपी? हमारे यहाँ शाहपुर गांव में के कितने दिन से पानी भरता है हमारे घर के सामने, वे किसी ने अभी तक नहीं, प्रधान के धोरे गया, प्रधान आगे लगाता है, उस प्रधान ही क्या करेगा जब प्रधान को पैसा नहीं मिलता? अब आपने मुद्दे की बात की, हाँ क्या समस्या? प्रधान क्या करेगा जब पैसा नहीं मिलता उनको? अब हमारे यहाँ पर कितने दिन से, बहुत दिन से, मतलब बरसातों में इतने इतने गड्ढे गड्ढे पानी की बात है। शाहपुर सार, हाँ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, हमारे घर के सामने बिल्कुल इतने इतना पानी भरा रहा है, मतलब गोटे गोटे। अब मतलब जब वहाँ तक पहुँचेगी प्रधान ही क्या करे? नहीं प्रधान ही क्या करे जब प्रधान के दौर पैसा नहीं आएगा? प्रधान ने कहे फिर अपने पैसे से लिखवाया हुए, और बाकी का ऐसे हो रहा है। हाँ नहीं नहीं, देखिए पानी अगर भर रहा है, पानी अगर भर रहा है तो ये भी तो समस्या है, जन समस्या है। दूसरे ना तो निकलन दे, ना दूसरे के लिए कौन निकले, कहाँ जाए? गांव की राजनीति के चलते कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, ये गांव की राजनीति है सब, गांव की राजनीति है, इस वजह से ये बता रहे हैं। हाँ ऐसी है, प्रधान लिखवाएंगे अपना, आप जैसे भी समाधान करेंगे प्रधान करेंगे, मतलब ये भी क्यों ना क्यों ना क्यों कराए क्यों बनाए क्यों बनाया उसको प्रधान? लो जो पब्लिक ने बढ़िया चुना है, सही लिए। अब योगी जी थोड़ी ना यहाँ पर हर जगह, प्रधान भी योगी जी बन जाएंगे, विधायक भी योगी जी बन जाएंगे, लेकिन योगी जी शीर्ष पर बैठे हैं ना, तो अगर प्रधान भी है तो उसकी भी तो जिम्मेदारी वही बनती है। ठीक है, बीजेपी का अगर यहाँ पर विधानसभा विधायक है, जब आदमी अपने आप भी सोचेगा
प्रधान क्या करेगा, दूसरा आदमी नहीं निकलन दे पानी है, क्या करेगा? दो मिनट पहले समस्या बताई, दो मिनट बाद कह रहे हो कि ठीक है। नहीं पानी तो भर रहा है उसमें, और मतलब सवारी जितनी भी आती है सब गिरती है, सब हमको गाली गिरते है। जब हमारे घर सामने तो सड़क कैसे रह रहे हो तुम, पानी भी नहीं निकल रहा आपको। इसका पार्टी क्या संबंध है ये बताओ, अगर बीजेपी चली गई सपा गई तो पानी निकल जाएगा? पानी भी तो निकलना चाहिए थोड़ा घना, जब कहने सुनने से भी तो निकलेगा। हाँ ये तो चलो ठीक है, ये थोड़ी जन समस्या है, ये तो प्रधान के उसकी बात है, लेकिन यहाँ की मैं बात कर रहा था कि यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आप तो सब बीजेपी वाले ही हो गए, यहाँ मतलब बीजेपी की ही हवा है कुल जमा, बात ये है, इतनी बात है। देखो काम की वजह से है ये हवा जो है, काम की वजह से है, वैसे नहीं है किसी वजह से, ना कोई पक्षपात किसी के लिए। लेकिन देखो बिजली मिल रही है उसी दिन से, गैस मिल रही है, राशन मिल रहा है, 24 घंटे बिजली आ रही, 24 घंटे बिजली आ रही है बाजार में, केवल इसलिए है, गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल, जो पहले होता था ना व्यापारी कुछ व्यापारी के लिए। गुंडे बदमाशों का बहुत आतंक था हर जगह। गुंडे बदमाश कौन है, गुंडे बदमाश ये बताइए। आप टीवियों पे रात दिन देख लो, चोरी चारी करे, छीन कर ले जावा वही गुंडोर का। क्राइम रेट की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि क्राइम रेट कम हो गया जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो प्रशासन मजबूत हुआ है आप ये कह रहे हैं? जीरो है यहाँ पर चोरी चकारी ये सब, जीरो नहीं हो सकता, क्राइम को भी जीरो कैसे हो सकता है? इस क्षेत्र में तो जीरो ही है। अच्छा मतलब ये है, ये है कि चोरी चकारी लूट मार लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें थोड़ा कंट्रोल खुले यहाँ, रोज भैंस खुलती थी अब नहीं खुलती है इतनी, ये किस्सा। शासन बदलने से प्रशासन तो वही है ना, वही दरोगा साहब होंगे, वही चौकियां होंगी, सख्ताई ना ऊपर से, सख्ताई ऊपर से सख्ताई है, तो इनके जो प्रधान है वो क्यों नहीं सुन रहे इनके प्रधान? छोटे मोटे मुद्दे तो ये मतलब ये काम काम क्यों ना कर रहे, ये करेंगे ना कार्रवाई, तो प्रधान करे कार्रवाई उसके खिलाफ जिसने पानी ना निकलने दे रहे जी। मिलकर जाएंगे प्रधान के पास तो सुनवाई भी होगी और उसे करना भी पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आप सबकी बात, आप सब लोग एक स्वर में यही कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी, ठीक है, आप सब योगी योगी जी में हैं। हाँ जी योगी जी बनेंगे फिर मुख्यमंत्री आने वाले समय। तो दादरी विधानसभा की जारचा रोड थी जहाँ पर कुछ व्यापारी और कुछ आम सामान्य लोग भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बातचीत की। इन सभी का कहना है, एक ही आवाज़ है, इनका कहना है कि योगी जब से मुख्यमंत्री बने तब से क्राइम रेट भी काबू में हुआ, बाकी तमाम सुविधाएं भी मिली, काफ़ी शांति का माहौल है। इनका कहना है कि और चाहिए क्या, शांति जो है वही सबसे बेहतर है, और एक बार फिर यहां पर योगी की सरकार बनने जा रही है। बात नहीं है इस पार्टी में, बीजेपी के अलावा किसी से काम ही नहीं करो, बीजेपी में ही देश का विकास हो रहा है। कमाओ कमाओ और विकास जब ही तो होगा, जब फ्री का देगी सरकार का घाटा जाएगा, सरकार कहाँ से विकास करेगी? योगी जी बनेंगे फिर मुख्यमंत्री आने वाले समय। गुंडागर्दी कम करी है, बिजली टाइम पर ज्यादा मिल रही है, और गैस तो मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की,